Hello, dear viewers. This is day 21 of our English speaking course, and today we'll be learning about the use of he, she, it, this, that, you, I, each, none, and use of articles a and the. यह हमीद है. This is हमीद. वह अंजू है. That is अंजू. यह उसकी पुस्तक है. This is his book. वह उसकी डायरी है. दिस इज हर डायरी. वह लड़का है. ही इज अ बॉय. वह लड़की है. सी इज अ गर्ल. तुम एक छात्र हो. यू आर अ स्टूडेंट. यू आर अ स्टूडेंट. मैं एक क्लर्क हूँ. आई एम अ क्लर्क. यह एक कलम है. दिस इज अ पेन. यह एक सेव है. दिस इज एन एप्पल. सो बेसिक बेसिक थिंग इज दैट द यूज ऑफ ए एन और दी. सो एन इज यूज व्हेन देर इज अ वॉवेल्स. जैसे एप्पल हो गया. एलिफेंट होता. दिस इज एन एलिफेंट. ए ई आई ओ यू. सो सो उस वक्त हम लोग क्या एन का उपयोग करते हैं. यही कैमरा मैं चाहता हूं. दिस इज द कैमरा आई नीड. हेयर वी हैव मेड इम्फेसिस ऑन द कैमरा. यही कैमरा. वी शो एट दिस प्लेस वी हैव यूज द कैमरा. यह वह मेरी बकरी है. दिस इज माई गोट. दिस आर माई बुक्स. दोज आर योर्स. ये मेरी पुस्तकें हैं. वे तुम्हारी पुस्तकें हैं. सो यू कैन प्रैक्टिस and be expert of this language. India is our country. We are her inhabitants. Bharat hamara desh hai. Hum uske vaasi hai. Okay, practice makes man perfect. So if you want to gain the perfection, so you have to practice a lot, and these all things will come by practice. So you can pause the video and you can practice it. The basic thing is that the articles a an is used where a e I o u where there is a vowels. The article किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष को इंगित करने के लिए प्रयोग में आता है. जैसे दिस इज द बुक आई नीड. यह है मतलब वही पुस्तक है जिसकी मुझे आवश्यकता है. सो दिस इज द एंड ऑफ द डे 21 एंड विल बी मीटिंग ऑन द डे 22.